2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में बुरी तरह पिटने के बावजूद चीन दुस्साहस दिखाने से बाज नहीं आया और 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में चीनी सैनिकों ने फिर से हिमाकत की और फिर से बुरी तरह पिटकर लौटी। त्वांग सीमा पर हुई इस झड़प के बाद भी यहां रह रहे लोगों में कोई खौफ नहीं है, इन्हें भरोसा है भारतीय सेना पर। इंडियन आर्मी की वजह से ही त्वांग का माहौल इतना शांत दिख रहा है। लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद ले रहे हैं, अपने घरों से निकलने के लिए उन्हें कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। उसमें तो हमारे यहाँ का पब्लिक को तो इतना नहीं है, शांति से अपना काम, सुबह से अपना उठ के अपना अपना काम में चला जाता है। जो न्यूज़ में इतना बड़ा चला के बोलते हैं, हम लोग यहाँ तो इतना असर नहीं पड़ रहा है। हम लोग तो सुरक्षित महसूस करते हैं, इंडिया का फौजी लोग अच्छे से बॉर्डर में बैठते हैं, इसलिए ड्यूटी अच्छे से देते थे। हम लोग इतना डर नहीं, हम लोग को महसूस नहीं होता है, डर का महसूस नहीं होता है। आराम से आप लोग? हम लोग आराम से बैठा है। यहाँ का आदमी इतना ओ नहीं है, डर से ऐसे बाइक बाइक से नहीं बैठा, आराम से बैठा है। जैसे पहले काम करते हो ऐसे ही काम करके बैठा रहा है। तो वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश तवांग में। तो हम लोग कितना बहुत प्राउड फील होते हैं, इंडिया लोग इंडियन आर्मी हम लोग के लिए उधर में बॉर्डर्स में खड़ा हुआ है ना, हम लोग का सेवा करने के लिए। हम लोग बहुत सेफ महसूस करते हैं यहाँ में, मीन्स तवांग में बैठ के। और हमारा ये क्या इंडियन आर्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है यहाँ में, और यहाँ में कुछ मतलब टेंशन नहीं है। हम लोग सेफली कहीं भी जा सकते, स्कूल और कुछ ऐसे मतलब कुछ अभी तक नहीं हुआ है। मीन्स त्वांग में रह रहे निवासियों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उनमें थोड़ा सा भी डर हो। त्वांग निवासियों में सीमा पर हुई इस झड़प का कोई खौफ नहीं है, बल्कि वो सब भारतीय होने पर फर्ज निभाते हुए इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं।